मेरठ में पूर्व बसपा मंत्री और मीत कारोबारी याकूब कुरैशी पर एक बार फिर पुलिस का शिकंजा कस गया है। जिलाधिकारी दीपक मीणा के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में याकूब पर एक बार फिर संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुल संपत्ति 31 करोड़ से अधिक की है। एसएसपी रोहित सिंह साजवान ने बताया कि मेरठ के थाना खरखौदा में 2022 में याकूब कुरैशी के खिलाफ अवैध रूप से मीट फैक्ट्री संचालित होने पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें पहले भी 32 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और इसी क्रम में अब फिर से संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, जिसमें स्कूल, अस्पताल, कोठी, प्लॉट, लग्जरी गाड़ियां शामिल हैं। इसी क्रम में याकूब कुरैशी का माय सिटी नाम से हॉस्पिटल को भी जब्त कर लिया गया है। थाना खरखौदा के अंतर्गत 2022 में 495/22 एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। इसका जो मूल मुकदमा था उसमें अवैध जो फैक्ट्री मीट की संचालित हो रही थी उसमें छापा मारकर वहां पर जो गलत तरीके से वहां पर फैक्ट्री चल रही थी उसमें कार्रवाई की गई थी और उसके आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें गैंग पंजीकरण और गैंगस्टर एक्ट के तहत पूर्व में लगभग 32 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और वर्तमान में जो ये गैंग के सदस्य हैं इन सभी के ऊपर इनकी जो अन्य संपत्ति को चिन्हित किया गया है और इस संपत्ति को 14(1) के अंतर्गत इसकी जब्तीकरण के लिए जिलाधिकारी के न्यायालय में भेजा गया, जहां पर उनके आदेश के अनुक्रम में इसमें जो संपत्ति है लगभग 31 करोड़ से अधिक की संपत्ति है जिसको जब्त करने की कार्रवाई प्रचलित हो रही है और